नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब कल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं और नीतीश कुमार ऑलरेडी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पिछले सोमवार से आए हुए हैं वो और सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ने भी अपने आप को और मजबूत करने के लिए, यानी कि जो 144 लोकसभा सीटों पर और अधिक मजबूत करने की कवायद के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने समीक्षा की है, तो ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की एक स्ट्रेटजी तैयार की गई है जिन पे बीजेपी पिछले चुनाव में बहुत थोड़े से अंतर से चूक गई थी। इनमें वे निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पे रहती है और जिस पे उसने कभी जीत भी दर्ज नहीं की। इन सब सीटों पर ये चर्चा की गई कि किस तरीके से इन्हें अपने पक्ष में लिया जा सकता है। इन सीटों को समूहों में बांटा गया है और प्रत्येक समूह का एक प्रमुख, एक केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। मंत्रियों ने इन निर्वाचन क्षेत्रों को भाजपा की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कुछ सजेशंस दिए हैं और इन मंत्रियों को कुछ और भी ऑर्डर्स हुए हैं, कुछ और भी आदेश दिए गए हैं कि वो किस तरीके से उन क्षेत्रों में जाएं और आगे की पार्टी की जीत को सुनिश्चित करें। ये सारी कवायद हो रही है 2024 को लेकर के। एक तरफ राहुल गांधी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगे हुए हैं, वो एक विपक्ष को तैयार कर रहे हैं महागठबंधन, और राहुल जो है वो कल एक नई शुरुआत करने वाले हैं, भारत जोड़ो करके एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। इन सब जो भी ये सब चल रहा है, ये सब लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही चल रहा है। हालांकि ये 2022 है और अभी ऑलमोस्ट काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां जहां पर वो पहले कमज़ोर रह गई वहां पर वो अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं, इस पे एक रणनीति तैयार कर रही हैं। अच्छा, देश के जो रूरल एरियाज हैं उसमें लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं जिनमें 2019 में भाजपा को 2007 सीटों पर जीत मिलती है। वहीं कांग्रेस और दूसरी जो पार्टीज हैं उनके खाते में 126 सीटें गई थी। नीतीश और का पूरा गठबंधन पूरा उस फोकस पे है। अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो उनकी हालत बहुत कमज़ोर है। हाँ, इन सीटों पे 2014 और 2009 के मुकाबले भाजपा सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, तो भाजपा ने इन सीटों पर आज जो मंथन किया, आज जो बैठक की है, इनको फोकस रख के किया है। 2009 में भाजपा को रूरल एरिया में केवल 77 सीटों की जीत मिली थी, जो 2014 में बढ़कर के 190 होती है और 2019 में बढ़कर 207 होती है। वहीं सेमी अर्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2009 में भाजपा को 20 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में ये बढ़ करके 53 और 2019 में
ये बढ़ करके 58 पर पहुंच गई थी। अब अगर हाईली अर्बन यानी कि उच्च शहरी एरिया की बात करें तो यहाँ पर 2009 में भाजपा के पास 20 सीटें थी, जो 2014 में और 2019 में बढ़ करके 40 तक पहुंच गई। अब किस तरीके से ये 20 सीटें 40 तक पहुंची, इन पे भी आज चर्चा हुई है और इन पे भी चर्चा हुई है जहां पर धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, उस पे भी चर्चा हुई है। तो वही स्ट्रेटजी प्लस कुछ और आधुनिक ब्रेन के साथ बीजेपी वहां फोकस कर रही है। अब चूंकि सभी पार्टियों को 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है, तो वो अलग अलग तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब चुनावी खबरें, चुनावी विश्लेषण, चुनावी स्ट्रेटजी, इस पे आप सभी लोग भी जानना चाहेंगे और मुझे आप अपनी राय देते रहे ताकि मैं अपने कंटेंट को आप तक उसी तरीके से पहुंचाऊं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हों, जैसा कि मैं हर बार आपसे कहती हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा है। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।